करेंसी ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंफ्यूजन है, तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं डिटेल में। हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ ABCD ऑफ करेंसी मार्केट विद मी नीलमणि सेन। करेंसी ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन को करने से पहले हमें सभी लिस्टेड करेंसी पेयर के लॉट साइज और टिक साइज को जानना जरूरी होता है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट अब इसे एक बार और देख लेते हैं। NSE में लिस्टेड सभी करेंसी पेयर के लॉट साइज 1000 के हैं और यहाँ टिक साइज जो है वो 0.0025 के अकॉर्डिंग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें टिक मूवमेंट को समझना जरूरी होता है, क्योंकि इंट्राडे में करेंसी पेयर्स के जो मूवमेंट होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। बात करें यदि हम USD INR की, तो जिसका करंट मार्केट प्राइस अभी के अकॉर्डिंग 83.30 के आसपास चल रहा है, तो यदि 83.30 इंट्राडे में मूव करता है आगे प्लस या माइनस, तो ये एकदम से 84.40 या 85 तक नहीं जा सकता है, और यदि हम डाउनसाइड की बात करें तो 82.30 या 82.50 तक भी नहीं आ सकता। नॉर्मल मार्केट डेज में USD INR में हमें 10 से 25 पैसे तक का ही मूव देखने को मिलता है आइदर साइड में। वहीं यदि कोई इवेंट डे होता है तब हमें यहां पर 30 पैसे से लेकर के 60 पैसे तक का एक बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। यहां प्राइस मूवमेंट जो है वो 0.0025 के अकॉर्डिंग होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन भी है वो भी हमें इसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो चलिए फाइनली अब हम कैलकुलेशन को समझते हैं और इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में वही लॉट साइज और टिक साइज की डिटेल है, थर्ड कॉलम में मार्जिन मनी की डिटेल है, यानी कि आप यदि कोई फ्यूचर करेंसी पेयर्स बाय करते हैं तो उसमें कितना पैसा आपको देना होगा उसकी डिटेल है। हालांकि ये थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस में ये मार्जिन मनी अलग होती है। फोर्थ कॉलम में आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन किया गया है कि पर टिक पर कितना प्रॉफिट होगा, जो कि 2.5 यानी कि 2.5 रुपए का निकल करके आता है कि एक टिक यदि कोई भी फ्यूचर मूव करता है तब हमें 2.5 रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा हमारे अकाउंट में। फिफ्थ कॉलम में ये कैलकुलेट किया गया है कि यदि आप 10 पैसे का गेन करते हैं, यानी कि 10 पिप्स का गेन करते हैं, तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर 100 रुपीज निकल करके आता है, जो कि आपका 10 पैसे का प्रॉफिट कहलाएगा। लास्ट रो में ये डिटेल दी गई है कि जो 10 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ है, यदि आप उसे परसेंटेज टर्म में देखना चाहते हैं तो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, उसे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कैलकुलेशन किया गया है वो किस फॉर्मूले को लेकर के किया गया है। तो फॉर्मूले की डिटेल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसका यूज आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में कर सकते हैं। अब इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी दिन करेंसी में ट्रेडिंग करते समय USD INR का फ्यूचर बाय किया है 83.30 के लेवल पर और उसे उसी दिन सोल्ड आउट कर दिया है 83.40 पर, तो आपने 10 पैसे गेन किए, जिसका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको गेन होता है 100 रुपीज में, वो भी विदाउट ब्रोकरेज। सेम एज इट इज, इस फॉर्मूले का यूज करके आप ऑप्शन में भी यदि कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो फाइनली ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस थी, बट कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो टिक साइज है वो कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहाँ 0.0025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है, तो उस कंफ्यूजन को मैंने आपके सामने दूर करने की कोशिश की है। होप सो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी रहा हो और आपकी हेल्प करेगा किसी भी तरीके के कैलकुलेशन को करने में। होप करते हैं कि अब आपको करेंसी ट्रेडिंग में किसी भी तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और चलिए मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में एक नए एपिसोड और नए टॉपिक्स के साथ। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.